फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि शर्ट की कटिंग किस प्रकार की जाती है। ये हमारे पास 2.25 मीटर कटिंग का फैब्रिक है। इस फैब्रिक में हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े का सीधा उल्टा देख लेंगे और उल्टे साइड की तरफ चौक से निशान लगा लेंगे। इसमें मैं चौक से निशान इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें सीधा और उल्टा पता करना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए मैं उल्टे पर चौक का निशान लगा लूँगा पूरे शर्ट के फैब्रिक पर। अब इस तरीके से दोनों कोने को मिलाकर इसको डबल में फोल्ड कर लूँगा और हमारी लाइनिंग पूरी मिलनी चाहिए। ये लाइनिंग से लाइनिंग एक के ऊपर एक बैठनी चाहिए, तो हम लाइनिंग को मिला लेंगे। लाइनिंग को मिलाने के बाद उसके सलवटे वगैरह सारे निकाल लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे लाइनिंग हमारी ठीक प्रकार से मिली है या नहीं। तो इस तरीके से मिला लेना है। अब लाइनिंग मिलाने के बाद सबसे पहला काम हम नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर चौक का निशान सही तरीके से दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैं लाइन का प्रयोग कर ले रहा हूँ। अब हमारा मनीला है तो उसके लिए सेकंड लाइन भी लगा देंगे नीचे से और 1.5 इंच छोड़कर फैशन पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ देंगे आगे की तरफ। 1.5 इंच 1.25 इंच आप सो पट्टी के हिसाब से छोड़ सकते हो। अगर चौड़ी सो पट्टी लगाना है तो 1.5 इंच छोड़ेंगे, अगर 1 इंच वाली सो पट्टी लगाना है तो 1.25 इंच छोड़ेंगे। अब हमारी लंबाई में 1/2 इंच मिलाकर निशान लगा देंगे। हमारी लंबाई 26 इंच है तो 26.5 इंच पर हमने निशान लगा लिए। यहाँ कॉलर 17 इंच की है तो 2.75 इंच यहाँ से रखेंगे और 2.5 इंच यहाँ से रखेंगे। शोल्डर का 1/2 करके 1/2 इंच मिलाकर निशान लगा लेंगे। उतार 2 इंच का देंगे और 9 इंच का हमारा आर्म होल लेंगे। यहाँ फ्रंट 12 इंच का है, 1/2 इंच ऐड करेंगे, 12.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 2 इंच का डिप देंगे, यहाँ पर भी 12.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अभी इन सभी निशानों पर स्केल से निशान लगा लेंगे। और आप इस फ्रंट को कटिंग कर लेंगे। हमारे फ्रंट की कटिंग होने के बाद अब इसकी स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स कटिंग करने के लिए फ्रंट हमने जहाँ से कटिंग करा था वहीं से कपड़े को फिर से बराबर मिला लेंगे और मिलाने के बाद ऐसे क्रॉस में रख देंगे। अब यहाँ से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमारी स्लीव्स की लंबाई है 22 इंच, हम उसमें 1/2 इंच ऐड करके 22.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से हमने 6 इंच का रखा है।
9 इंच का हमारा कप है। अब ये ऊपर के निशान से 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे राउंड देने के लिए। हमें ऊपर से नीचे तक 3 इंच का राउंड देना होता है। ये 3 इंच नीचे का हमने राउंड दे दिया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ बीच में सेंटर में गुटका लगा देना है और वहीं से आधी स्लीव्स ले लेना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का डीप दे देंगे। देखिए इस तरीके से हमको डीप निकालना है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होएगा चलेगा। अब फिर से हम सेंटर में रख देंगे मिला के। अब ये कप वाले हिस्से पर भी सेंटर से आधा इंच इस तरफ रख के चॉप पट्टी के लिए निशान लगा देंगे और चॉप पट्टी की लंबाई 4 से 4.5 इंच रखेंगे। और ये छोटे भाग की तरफ हल्का सा क्रॉस कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। अब ये बचे हुए कपड़े में हम बैक कटिंग करने वाले हैं। तो हमारा फ्रंट 12 इंच था तो हम उस हिसाब से कपड़े को रख लेंगे। अब इसके ऊपर हमारे फ्रंट को पेस्ट करेंगे लाइनिंग मिलाते हुए। यहाँ से 1.25 इंच नीचे और उसको स्ट्रेट कर देंगे। हमने फ्रंट के शोल्डर में हाफ से 1.25 इंच मिलाए थे, यहाँ 0.5 इंच मिला के निशान लगा देंगे 10 इंच पर। और अब इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट बैक और स्लीव्स तीनों चीज़ कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका शोल्डर कटिंग करेंगे। अब ये बचे हुए कपड़े में हम इसका शोल्डर कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से कपड़े को रख कर डबल कर लेंगे। हमारे शोल्डर के नीचे से लंबाई 10 इंच है जैसे कि हमने बैक में रखा था, तो ये 10 इंच के हिसाब से कपड़े को रख लेंगे। यहाँ से इस तरीके से कपड़े को प्लेन कर लेंगे। अब ये शोल्डर से लाइनिंग मिला लेंगे। ये हमारा होल वाला भाग ऊपर रखेंगे। ये हमारा देखिए सेंटर में कहाँ से लाइनिंग मिल रही है तो वहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारे सेंटर से यहाँ पे लाइनिंग मिल रही है, ये निशान लगा लिया हमने। अब ये निशान से 1.5 इंच ऊपर टेप को रखेंगे और 4.5 इंच गिन लेंगे वहाँ से। ये 4.5 इंच, ये यहाँ पर ये 4.5 इंच, यहाँ से भी 4.5 इंच
ऊपर 1.25 इंच और यहाँ 1.75 इंच, और यहाँ नीचे से 1.25 इंच कम 10 इंच पर, यहाँ 10.5 इंच पर। सॉरी, ऊपर 10.25 इंच, नीचे ऊपर 10 इंच और नीचे 10.25 इंच, और इन सब निशानों को मिला लेंगे और फिर शोल्डर को कटिंग कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।